निजी अस्पताल में किस कदर मरीजों के साथ धोखाधड़ी और वसूली की जा रही है, इसका एक उदाहरण ग्वालियर के मां शीतला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में देखा गया। दरअसल अस्पताल की लापरवाही की शिकायत सीएमएचओ से की गई थी और जब सीएमएचओ कार्यालय से जांच करने टीम शीतला हॉस्पिटल में पहुंची तो वहां का नजारा देख दंग रह गए। काफी आश्चर्य उनको हुआ। अस्पताल में ना तो प्रबंधन के लोग मिले और ना ही नर्सिंग का स्टाफ दिखाई दिया। डॉक्टर जबकि अस्पताल में काफी मरीज और ना ही कोई डॉक्टर वहां पर दिखाई दिया। अस्पताल में जबकि काफी सारे मरीज भर्ती हैं, जब टीम ने मरीजों से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें अच्छे इलाज और सुविधा के लिए दूसरे अस्पतालों से यहां शिफ्ट किया गया। वहीं जांच टीम ने जब संचालिका से बात की तो उन्होंने बताया कि दिवाली की छुट्टी की वजह से स्टाफ और डॉक्टर नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि मरीजों का अस्पताल कैसे चल रहा होगा। एक्चुअली मुझे इसके बारे में अभी मेरे स्टाफ ने बताया और ये थोड़ा दिवाली की वजह से थोड़ा बैकग्राउंड स्टाफ उधर है नहीं अभी। नहीं, स्पेशलिस्ट तो जैसे कोई केस वगैरह आता है तो बुला भी लेते हैं स्पेशलिस्ट। बाकी तीन चार डॉक्टर है जो मैनेजमेंट देखते हैं वो भी स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं। यहाँ पे कौन कौन डॉक्टर हैं अभी? तो मतलब वैसे तो पर्सनली केस के लिए बुला लेते हैं हाँ, बाकी ऑन कॉल हैं और कुछ वर्क भी करते हैं अभी। बाकी कुछ जो मिस्टेक्स है उसको और आगे सुधारने की कोशिश करेंगे पूरी। सीएमएचओ साहब को शिकायत मिली थी इस तरह के हॉस्पिटल ग्वालियर में संचालित किए जा रहे हैं जिन पर ना ही डॉक्टर है ना ही कोई स्टाफ है, तो उसके ही तहत हम जांच करने आए थे। जांच में पाया गया कि यहाँ किसी प्रकार का कोई भी स्टाफ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। कई मरीजों को बोतल लग रही थी जिनका कोई देखने देखने के लिए नहीं था। कुछ शिकायतें इस प्रकार की थी कि कुछ मरीज जीएच जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, वहाँ से दलालों द्वारा यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटलों में शिफ्ट।